अस्सलाम वालेकुम, आज बना रहे दुम दुम की आनियन, एक दो तीन हरी मिर्ची, हल्दी, मिर्ची और अदरक, धनिया, नमक, चलो प्याज काट लेंगे। अब आनियन अपलवा कट कर लिया, आनियन प्याज कट कर लिए। इससे मैं तीन ये तेल इससे डाला ये डोंगा से, और प्याज को अच्छा ब्राउन कलर आए तक तल लेना है। सुबह के टाइम नाश्ता दोंडे, एग्स बॉयल, चपाती, ज्वारी की रोटी हम लोग ज़्यादा खाते हैं। और अपन ना हेल्दी के वास्ते नॉन वेज थोड़ा कम कर दे, तो अपन सब्जी ज़्यादा खाए, विटामिन सी डी, विटामिन सी टी, ऐसा पूरा अपन बच्चों को एक्स आदत करना, एक्स खिलाना, अपन नॉन वेज कम खिलाना बच्चों को। देखो अब तेल गरम हो गया, मैं डाल दे रहा हूँ। अभी आग बढ़ रहा है, जलेगी। देखो बच्चों के वास्ते एग्स उबाल लूँ मैं, ये एग्स खाए बच्चों को खिलाए तो बहुत अच्छा। अभी अपन अदरक लहसुन ब्राउन कलर है तक भून लेना अपन। अपना अदरक लहसुन डालूंगा, अभी धोंडे काट लेना पहला, धोंडे इसमें डाल दिए। थोड़ी देर इसको थोड़ा अदरक का जल्दी जल्दी बनाना है, आड़ बज रहा है, बच्चों को तैयार करना है। खूब में ऐड करें हल्दी, कुछ भी नहीं होता ऐसा ला सकते, कोई बात नहीं है। अब मिर्ची डाल दे रही हूँ, मिर्ची, नमक, धनिया, थोड़ी देर ऐसे चपन भूल लेना। इसमें एक टमाटा भी ऐड कर ले सकते, टमाटा आपको नहीं बताया, अब मैं एक टमाटा छोटा टमाटा कट करके बताया। और दो तीन मिर्चा भी डालना है। अभी आपको एक टमाटा मिर्ची डालना है ना, एक देखो मिर्ची डाल दे रहे अपन ना, और एक छोटा टमाटा। सुबह का टाइम अपन को जल्दी जल्दी सालन पकाना होगा, तो ये अपन की सब्जी इजी है पकाने में। वेजिटेबल अपन ज़्यादा खाए तो हेल्दी रहते, बच्चे भी हेल्दी रहते। अब इसके हो गया, और इसमें लास्ट में कोथमीर। पूरा अपन टमाटर सब मिला लिया ना, थोड़ी देर के बाद से ढक्कन लगा देंगे अपन इसको। चल ये देखो ये पक गया। आप लोगों को थोड़ा पानी छोड़ना है तो छोड़ लीजिए ग्रेवी के वास्ते। ये तो हम लोग और कोथमीर डाल दे रहे थे, एक आधी कप पानी डाल लेंगे अपन इसमें, थोड़ा पावर पकने दो। कोथमीर डालिए ना, ये देखो हम लोगों का डोंडे फ्राई बन गया है। आपको पसंद है तो सब्सक्राइब।